हाय गाइस, वन पीस चैप्टर 185 जस्ट केम आउट और बड़ा ही बवाल चैप्टर आया है। इसने तो वन पीस फैन में आग ही लगा दी है। दिस चैप्टर इज फुल ऑफ गीगा चैट्स। पिछले कुछ चैप्टर्स में एक के बाद एक नई मिस्ट्री ऐड होती जा रही है एंड दिस चैप्टर एक्सीडेड माय एक्सपेक्टेशन। इस चैप्टर में जो इंसिडेंट हुआ है वो पूरे वन पीस एनिमे की डायरेक्शन चेंज करने वाला है, क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड को वो पता चलने वाला है जिसका फैंस कई सालों से इंतजार कर रहे थे। वो है इमू के एग्जिस्टेंस का और को पता चलना। पर अभी नहीं, वी आर गेटिंग देयर बट नॉट नाउ। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस चैप्टर। वन पीस वर्ल्ड के सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में आधे से ज्यादा चैप्टर होना और फिर भी हमें उसके बारे में कुछ भी पता ना चलने देना। वेल डन ओडा, यू प्लेड वेल। बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर टू टॉक अबाउट। हाय गाइस, दिस इज मैंगा समा। चैप्टर की शुरुआत, ओह माय गॉड, एक के बाद एक कंटिन्यूस चैप्टर। चैप्टर की शुरुआत फिर से लास्ट चैप्टर से होती है, जहां इमू, फाइव एल्डर और किंग कोबरा की बातचीत के दौरान थ्रोन पर आकर बैठ जाता है और कोबरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वन पीस वर्ल्ड इमू स्पोक। इमू खुद कोबरा के सवालों का जवाब देने आ गया है और वो कोबरा से कुछ पूछना भी चाहता है। और जब कोबरा इमू का नाम सुनता है, यहाँ वे कंफर्म करता है कि इमू उन 20 फाउंडर्स में से एक है जिसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को क्रिएट किया था, जिसका मतलब वो 800 सालों से इस वर्ल्ड पर राज कर रहा है। इसे देखकर तो ऐसे ही लगता है कि इमू पर इमोर्टैलिटी सर्जरी हुई है। ओपो ओपो नोमी के प्रीवियस यूजर्स में से एक ने इमू पर इमोर्टैलिटी सर्जरी करके उसे अमर बना दिया है, तभी वो 800 सालों से वन पीस वर्ल्ड पर राज कर रहा है। इमू कोबरा को डी के बारे में बताता है कि डी उनके एंशिएंट एनिमी का नाम है और रीसेंट टाइम में ये बार बार उठता रहा है। पर अब जो नेक्स्ट लाइन इमू ने कही उसने मुझे चौंका दिया। इमू सैड, रिसेंट टाइम में डी के नाम का उठना फेंटेको के अलावा कुछ नहीं है, और जो डी नाम को कैरी करता है उनको उनके नाम की ट्रू मीनिंग भी नहीं पता है। नथिंग बट अ फेंटेको। लेट्स टॉक अबाउट दिस। हमने सीरीज में कई कैरेक्टर को देखा जो डी को पोजेस करते हैं। गोल्डी रोजर, रॉक्स डी जैबैक, गार्प, ड्रैगन, लूफी, एस, ब्लैक बियर्ड, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम They are the people who turn the world upside down. इन कैरेक्टर का इतना सब कुछ करने के बाद भी इमू का ये कहना कि this is nothing but a faint echo, which tells us ancient time के डीनम के बंदों ने कुछ तगड़ी ही तबाही मचाई होगी। इमू क्वीन लिली के बारे में भी बताता है कि क्वीन लिली की गलती के कारण ही उसे इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। अगर क्वीन लिली ने वो गलती नहीं करी होती तो पोनी क्लिप्स पूरे वर्ल्ड में स्कैटर्स नहीं हुए होते। इमू कोबरा से पूछता है कि पोनी क्लिप्स को स्कैटर करना क्या सही में लिली की मिस्टेक थी या उसने जानबूझकर किया, क्योंकि कोबरा ने लिली का लेटर पढ़ा है और उसे पता ही होगा कि लिली का क्या प्लान था और उसने ऐसा क्यों किया। बट वेट अ मिनट, पोनी क्लिप्स को स्कैटर करना, व्हाट डज दिस मीन? क्या पोनी क्लिप्स एक जगह पर थे? जिन पोनी क्लिप्स को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता उसे पूरे वर्ल्ड में स्कैटर करना तो इम्पॉसिबल है। देन आई गॉट टू नो देयर इज वन डेविल फ्रूट व्हिच कैन डू दिस इजीली एंड दैट इज कुमा'स डेविल फ्रूट। निक्यो निक्यो नोमी, जैसे कुमा ने स्ट्रो हैट को वर्ल्ड के अलग अलग जगह भेज दिया था, उस पावर की मदद से पोनी क्लिप्स को स्कैटर करना भी मुश्किल काम नहीं है। हो सकता है कि लिली 800 साल पहले इस फ्रूट की यूजर रही हो और इस फ्रूट की पावर की हेल्प से उसने पोनी क्लिप्स को वर्ल्ड में स्कैटर कर दिया हो और इमो और बाकी नेशंस के सामने ऐसा प्रटेंड किया हो कि उसने ये नहीं किया, और या फिर उसके पास पोनी क्लिप्स को स्कैटर करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ स्कैटर्ड पोनी क्लिप्स That I can think of right now. आगे इमू कोबरा से पूछता है कि क्या उसने जानबूझकर क्वीन लिली का पूरा नाम नहीं लिया जो कि क्वीन लिली ने लेटर में लिखा था, और इमू कोबरा से पूछता है कि उसे क्वीन लिली का पूरा नाम बताओ। और नेक्स्ट पैनल में हम फाइव एल्डर्स को देखते हैं अपनी गने निकालते हुए। What the fuck? साबो उसी रूम में छुपकर सारी बातें सुन रहा होता है और कोबरा समझ जाता है कि उसका आखिरी टाइम आ चुका है। फाइव एल्डर्स में से एक एल्डर भी ये बताता है कि जिस टाइम कोबरा ने इमू को देखा था उसका मरना तभी डिसाइड हो गया था, पर अपना कोबरा गीगा चैट निकला। कोबरा ने बिना डरे लिली का पूरा नाम बताया और तभी हम देखते हैं कि इमू अपने थ्रोन पर बैठा हुआ कोबरा पर अटैक कर देता है। एक एरो स्पेयर की तरह आकर कोबरा में घुस जाता है। ये ऐसा लग रहा है कि ये एरो इमू की टेल है और उसने अपनी टेल से कोबरा पर अटैक किया है, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए साबो वहां आ जाता है और पहला अटैक वो फाइव एल्डर्स पर और दूसरा अटैक वो इमू पर करता है। एंड दिस इज द लेजेंडरी पैनल हियर। वी कैन सी हियर साबो फाइव एल्डर और इमू के बीच अकेला खड़ा है एंड ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ देम। दिस इज वन ऑफ द बैडेस्ट मोमेंट ऑफ वन पीस हिस्ट्री। और तभी मॉर्गन का स्नेल ये फोटो स्नैप कर लेता है। जब हमने ये फोटो पहली बार देखी थी तो
तो हमें लगा था कि कोबरा उस टाइम मर चुका है, पर अब हमें यहाँ पता चला कि वो अभी जिंदा है और वो साबो से लूफी के बारे में बात करता है और ये सब चली रहा होता है और हमें बैकग्राउंड में कुछ शेडोज दिखाई जाती है और ये शेडोज फाइव एल्डर्स और ईमू की है। ऐसा लगता है कि ये सब डेविल फ्रूट यूजर हैं। इट सीम्स लाइक ऑल ऑफ देम हैव जोन टाइप डेविल फ्रूट जो कि उन्हें क्रीचर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट काइंड ऑफ डेविल फ्रूट दे यूज, स्पेशली ईमू जो कि फाइनल बैटल में विलन होने वाला है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ही हैज अनदर गॉड फ्रूट। इनकी शेडोज भी बड़ी अजीब दिखाई गई है, एक एल्डर के हॉर्न दिखाए गए हैं और दूसरे के फेदर्स। आफ्टर सीइंग दैट वी कैन अज्यूम दिस ओल्ड गीजर्स आर नॉट वीक, दे आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग। If they actually look like this, then Zoro can easily handle them all. Sabo, King Cobra को लेकर भाग ही रहा होता है, and oh my God, all the five elders plus Emu are after Sabo. World government नहीं चाहती कि Emu के बारे में किसी को पता चले, और वो जल्द से जल्द इस बात को छुपाना चाहते हैं। Cobra Sabo को बताता है कि दोनों का भाग पाना बहुत मुश्किल है। Better होगा कि Sabo अकेला वहाँ से भाग जाए। वो लूफी और वीवी को उसका ये मैसेज देखी, वो भी डी नेम कैरी करते हैं। और तभी साबो अपना पास्ट याद करता है। वो एस और लूफी से कहता है कि व्हाई दे बोथ हैव डी इन देयर नेम। एस साबो से कहता है कि नेम इज अ नेम, हु केयर्स, साबो कैन हैव अ डी इन हिज नेम। और वो उसे सैडबो नाम देता है। ये बात मुझे इरिटेट करती है कि कुछ सालों पहले साबो को एस और लूफी के बारे में कुछ याद नहीं था और अब अचानक से सब कुछ याद आ गया। पर यह बात नोटिस करने वाली है कि एस साबो को सैड बॉय कहता है और लूफी जॉय बॉय है। वन इज सैड बॉय और अदर इज जॉय बॉय जो कि एस की हेड भी रिप्रेजेंट करती है। आई डोंट नो इट इज इंटेंशनल और कोइंसिडेंट बट वेल डन ओडा। साबो ये बात याद ही कर रहा होता है कि तभी इमो अपनी टेल से दोनों पर अटैक कर देता है और कोबरा साबो के हाथों से छूट जाता है। किंग कोबरा ये जानते हुए कि उसका टाइम निकट आ गया है अपने लास्ट वर्ड कहता है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द परफेक्ट डेथ फॉर किंग कोबरा। ये बंदा जाते जाते भी वन पीस का राज खोल के गया। ऑल द फैंस विल रिमेम्बर योर सैक्रिफाइस किंग, एक रोड इस सलूट तो बनता है। हालांकि ओडा ने इंटेंशनली मैसेज का मेन पार्ट छुपा ही लिया, पर हमें रिमेनिंग मैसेज से ये पता चलता है कि कोबरा लिली के लेटर की बात करता है कि उस फ्लैग को लहराओ जो कि एक नए सवेरे की शुरुआत करेगा। अब यहाँ दो चीज होने वाली है। सैटर्न जे गार्सिया एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और पॉसिबली वो एगेट में लूफी से फाइट करने वाला है। ऐसा तो कंफर्म लगता है कि हम फाइव एल्डर को फुल पावर पर फाइट करते हुए फाइनल बैटल में देखें, पर एगेट पे हमें थोड़ी सी उनकी पावर की झलक दिखाई जा सकती है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर एंड हाउ ऑसम द फाइनल बैटल विल बी। दूसरा, एगेट आर्क के बाद लूफी और साबो का रियूनियन होगा। ड्रैगन से मिलने के बाद हो सकता है कि साबो किंग कोबरा का मैसेज डिलीवर करने लूफी से मिलने जाए और इसी कारण ये भी पॉसिबल है कि प्रिंसेस वीवी भी लूफी के साथ हो। और ये भी पॉसिबल है कि साबो पहले प्रिंसेस वीवी से मिले और फिर प्रिंसेस वीवी को लूफी के पास ले आए। नेक्स्ट पैनल में कोबरा की डेथ का फायदा उठाते हुए साबो वहां से भाग जाता है और तभी हम देखते हैं कि कोई दीवार के छेद में से झांक रहा होता है और फाइव एल्डर्स की नजर में भी आ जाता है और वो बंदा है फोनमर मोनार्क ऑफ ड्रम किंगडम वेपोल। वेपोल की ये देखकर फटके चार हो जाती है। उसे पता है कि उसे अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। उसे पता है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था। और तभी हमें पता चलता है कि काउंसिल मेंबर में अनाउंसमेंट हुई कि किंग कोबरा और वेपोल मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। फाइव एल्डर और ईमू ये डिसाइड कर चुके हैं कि किंग वेपोल को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, अब उसे मरना ही होगा। नेक्स्ट पैनल में हमें वीवी के बारे में जानने को मिलता है कि कैसे वो वेपोल के साथ मेरी जुआ से एस्केप हुई। प्रिंसेस वीवी को CP0 के एजेंट्स ने गेस्ट रूम में पकड़ लिया होता है। हमें रीसेंट चैप्टर में जानने को मिला कि काकू भी CP0 का मेंबर है और इस चैप्टर में हमें पता चला है CP9 की मेंबर्स जाबरा और कालिफा भी CP0 में मेंबर्स बन चुकी है। बैकग्राउंड में हम ब्लूनो कुमादूरी और फुकुराओ को भी देख सकते हैं और इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि ये भी CP0 के मेंबर बन गए हैं। ये भी बड़ी अजीब बात है कि अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट मिशन में फेल होने के बाद CP9 के मेंबर प्रमोट होकर CP0 में आ गए और अब एक और मिशन में फेल होने वाले हैं। उनकी कॉन्वर्सेशन से हमें दो और गीगा चैट के बारे में जानने को मिलता है। साई एंड लियो आफ्टर बीटिंग द क्रैप आउट ऑफ द सेलेस्टर ड्रैगन दे आर प्राउडली सेइंग दैट दे आर द मेंबर ऑफ द स्ट्रो हैट ग्रैंड फ्लीट। डैनी लूफी वुड बी प्राउड ऑफ हिम बट हियर कम द MVP ऑफ दिस चैप्टर एडमिरल फुजितोरा। दिस इज द ओनली एडमिरल और वन पीस फैंस लव। ही हैज हिज ओन सेंस ऑफ जस्टिस। ही डजंट केयर वेदर हिज सुपीरियर्स लाइक इट और नॉट। ही डज व्हाट ही वांट्स टू डू। फुजितोरा ने स्लेव को फ्री करने में रेवोल्यूशनरी आर्मी की मदद करी और बाद में उसने ग्रीन बुल से भी फाइट की।
पर हमें ग्रीन बुल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस बंदे ने मेरी जुआ में रेवोल्यूशनरी आर्मी से फाइट करने के बाद फुजीतोरा से फाइट की और उसके बाद वीवल से फाइट की और फिर वो वानू कंट्री पहुंचा और किंग और क्वीन को डिफीट किया और उसके बाद मोमोनोस्की और उसकी टीम और यामाटो से फाइट की। हालांकि वो शेंस के कारण वहां से भाग गया, पर यही एक बंदा है जो मरीन में अपना काम ढंग से कर रहा है। नेक्स्ट पैनल में वेपल वहां से भाग रहा होता है और वो अपनी फ्रूट की पावर से वीवी के रूम में आ जाता है। वीवी इस मौके का फायदा उठाते हुए वेपल के साथ उस रूम से भाग जाती है। वेपल वॉल को खाता हुआ वहां से भाग रहा होता है और तभी वो अपनी वाइफ के सामने आ जाता है और वेपल की वाइफ को लगता है कि वो प्रिंसेस वीवी के साथ भाग रहा है। ओडा सीरियस मोमेंट पे भी कॉमेडी करना नहीं छोड़ता, गुड ओल्ड ओडा। बट हियर्स कम अनदर बॉम्ब। हम जानते हैं कि वेपल और वीवी मॉर्गन के संग है और वेपल मॉर्गन को वो सब बता देगा जो उसने वहां देखा। एंड देन मॉर्गन विल रिलीज द न्यूज ऑफ इमू ताकि पूरे वर्ल्ड को उसकी एग्जिस्टेंस का पता चल सके और हर किसी को ये पता चल सके कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इज एक्चुअली ईवल और इसी के कारण फाइनल बैटल की शुरुआत हो सके। पर उससे पहले मैं ड्रैगन का एक्सप्रेशन देखना चाहूंगा कि ड्रैगन इमू के एग्जिस्टेंस पर कैसे रिएक्ट करेगा और इसे जानने के बाद वो क्या करेगा, क्योंकि ड्रैगन ही एक ऐसा करेक्टर है जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाकर वर्ल्ड गवर्नमेंट से हेड ऑन फाइट कर सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले चैप्टर में कुछ पैनल ड्रैगन और साबो के बातचीत के होंगे और हमें नेक्स्ट चैप्टर या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर एगेट पे हो रही भसड़ के बारे में पता चलेगा और हमें ये भी पता चलेगा कि इतना बड़ा क्या होने वाला है जो कि पूरे वर्ल्ड को शॉक कर देगा। दिस इज इट फॉर टुडेज गाइस, लेट मी नो व्हाट यू ऑल थिंक अबाउट दिस। दिस इज मैंगा समा, पीस।